दबंग में मलाइका अरोड़ा खान का आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम खूब पॉपुलर हुआ था। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों तक की जुबान पर ये गाना चढ़ गया था। और इसी आइटम सॉन्ग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने दबंग 2 में फेविकॉल सॉन्ग रखा और इस गाने ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। और खबरें थी कि दबंग 3 में भी एक बार फिर से मेकर ऐसा ही कोई तड़कता भड़कता सॉन्ग लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार भी मुन्नी बदनाम की तरह फिल्म में आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार भी कोई मुन्नी ही बदनाम होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। इस बार मुन्नी नहीं बल्कि मुन्ना बदनाम होगा। जी हाँ, खबरों की माने तो मेकर्स फिल्म के पहले भाग में फेमस हुए गाने मुन्नी बदनाम को फिर से भुनाने की तैयारी में है। लेकिन इस बार गाने के बोल बदल जाएंगे। इस बार मुन्नी नहीं होगी बदनाम बल्कि इस बार बदनाम का ये चोला खुद सलमान खान पहनने वाले हैं। फिल्म के सेट से खबर आ रही है कि दबंग 3 में गाने के बोल होंगे मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। और अगर गाने के बोल यही हुए तो एक बात तो जाहिर है कि सलमान खान अपने उसी ही स्टाइल में थिरकते नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी भी थोड़ा पीछे ही दिखाई जाएगी और हो सकता है कि चुलबुल पांडे के कॉलेज के दिनों से पुलिस में भर्ती होने के कुछ सीन्स फ्लैशबैक में दिखाए जाएं, जिसमें कॉलेज के दिनों में चुलबुल पांडे का रोमांस दिखाया जाएगा। वैसे फिल्म में नई आइटम गर्ल को लेकर पिछले काफी दिनों से खूब खबरें आई थी। जहां पहले भाग में मलाइका थी तो वही दबंग 2 में करीना कपूर खान थी। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार सलमान किस हीरोइन के साथ थिरकते नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में जोरों शोरों से चल रही है और हाल ही में फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले सुदीप किच्चा ने भी शूटिंग शुरू कर दी है। वेल, दबंग 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा और ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 दिसंबर को। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।